बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां आरजेडी जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है। सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, लालू नीतीश से अधिक सीट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार के एनडीए वाले फॉर्मूले के तहत अधिक सीट की मांग की जा रही है। नीतीश इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, तेजस्वी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी की है, तो पूरा मामला भी समझते हैं कि 32 मिनट तक की ये मुलाकात होती है, जब तक लालू और नीतीश के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता तब तक महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीट का बंटवारा तय नहीं होगा, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, किसकी कितनी मांगे हैं और क्या वो मांगे नीतीश कुमार मानने को तैयार हैं, क्या जानकारी अंदर खाने से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर नीतीश कुमार मानने को तैयार होते तो ये जो जीत फंसा हुआ है, ये पेच फंसा हुआ है, ये पेच फंसा नहीं रहता, 16 जीत गया होता। और तेजस्वी यादव को कल जाकर के 32 मिनट तक नीतीश कुमार से मुलाकात करने की नौबत नहीं आती और सब कुछ कर सकते हैं तो सामान्य हो जाता, महागठबंधन में सीट बंटवारे जो है वो सुलझ जाता, कांग्रेस जो 12 सीट का डिमांड कर रही है वो भी सामान्य हो जाता। इधर माले की बात करें, लेफ्ट की बात करें, तो सभी पार्टियां जो है वो इंतजार में है कि कब आरजेडी और जेडीयू जो है वो सीट बंटवारे के फॉर्मूले को तय करती है और उसके अकॉर्डिंग बाकी जो पार्टियां हैं महागठबंधन में शामिल क्या वो सहमत होती है, ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ी पेच जो है वो लालू प्रसाद यादव ने फंसाई है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के समक्ष साफ तौर पे जो 2019 का एनडीए का फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के तहत नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 सीट का डिमांड किया था, विधायकों का हवाला दिया था कि विधायकों का संख्या हमारे पास अधिक है, उसके अकॉर्डिंग हमें अधिक सीट चाहिए, मजबूरन बीजेपी को 17 सीट देने पड़े थे नीतीश कुमार को, जेडीयू को, तो वही फॉर्मूला जो है लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि अभी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, तो सबसे अधिक सीट जो है वो आरजेडी के खाते में आनी चाहिए, झोली में आनी चाहिए, जबकि नीतीश कुमार जो है ये मानने को तैयार नहीं है। और इसके पीछे की वजह जो है वो भी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो दर्शकों को बताते हैं कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि चूंकि उनके 17 सांसद हैं, अगर वो 17 सांसद को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं सीट बंटवारे के बाद, तो वो सांसद जो है कहीं ना कहीं बागी होंगे और उनके बागी तेवर जो है उसका फायदा बीजेपी उठा सकती है, तो इसी डर से नीतीश कुमार चाहते हैं कि 17 सीट कम से कम जो है वो जेडीयू के खाते में रहे, जेडीयू की झोली में रहे, जबकि लालू चाहते हैं कि उससे अधिक सीट जो है वो आरजेडी के खाते में आए। तो अगर ये तस्वीर नहीं बन पाती है, नहीं सुलझ पाती है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या उसके अलावा लेफ्ट पार्टी है, ये तमाम पार्टी जो है वो शायद माने नहीं। कांग्रेस भी 12 सीट की डिमांड कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सीट उनके झोली में भी जाता हुआ नजर आ रहा है या लेना वो चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि अभी सीट बंटवारा जो है बिहार में वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसमें सबसे बड़ा पेच जो है वो जेडीयू और आरजेडी के बीच फंसा हुआ। तेजस्वी एक बीच की रास्ता की बात कर रहे हैं, वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, तेजस्वी जो बीच का रास्ता की बात कर रहे हैं, वो रास्ता, वो फॉर्मूला पहले तय किया गया था, हालांकि वो रास्ता जो है वो पूरे तौर पे उस पर सहमति नहीं बनी। तेजस्वी चाहते हैं कि 16 सीट पे आरजेडी, 16 सीट पे जेडीयू लड़े, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि उससे जेडीयू से एक सीट कम से कम अधिक जो है वो आरजेडी के खाते में जाए, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या अधिक है, जबकि जेडीयू चाहती है कि 17 सांसद जो है उन 17 सांसदों को वो एकोमोडेट कर ले, यानी कि 17 सीट जो है वो जेडीयू चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि जब 17 सीट जेडीयू लेगी तो 18 सीट आरजेडी लेगी, तो इस हिसाब से अगर देखें तो मात्र 17-18 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 35 सीट हो जाती है, तो महज 5 सीट बचती है। 5 सीट में कांग्रेस को खुश करना या बाकी लेफ्ट पार्टियों को खुश करना ये कहीं से भी संभव नजर नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि आरजेडी जेडीयू के बीच की जो जीत है उसके कारण से बाकी पार्टी जो है वो इंतजार कर रही है, या यूं कहें तो जेडीयू और आरजेडी का मुंह देख रही है कि कब ये जो है बुलाते हैं और कब हमारे। चलिए, बिल्कुल, तो इस सियासी हलचल पर आप नजर बनाए रखिए। अमित, शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका।